प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने जो उन्होंने किया, जो उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद जो पाकिस्तान में क्राइसिस पैदा हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, मैं इस वक्त बाहर लंदन आया हूँ, तो वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। सर, मैं ये कहूँगा कि सदर पाकिस्तान को अगर जो आज एक बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी के ज़रिए, एक शफाफ इंक्वायरी के ज़रिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या उनके स्टाफ से ये गलती हुई है या सदर से ये उन्होंने गलत बयान दिया? उनके स्टाफ ने क्लेरिफाई किया कि प्रेसिडेंट की तरफ से कोई रिटर्न उनको ऑर्डर नहीं दिया गया और फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की। समरी जो होती है, मतलब मैं अगर कोई समरी भिजवाता हूँ बतौर वज़ीर आज़म तो मैं उसको ख़ुद साइन करता हूँ। इसी तरीके से सदर किसी बिल को अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो साइन करते हैं, अगर रिजेक्ट करते हैं तो वो साइन करते हैं। तो इसमें ज़बानी कलामी वाली बात तो है ही कोई नहीं। और इतना बड़ा ऑफिस, सबसे बड़ा ऑफिस है पाकिस्तान का आइनी तौर पर, वहाँ पर ज़बानी कलामी तो कोई बात नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक शफाफ इंक्वायरी हो, पता चल जाएगा कि कौन गलत। लेकिन सदर साहब ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया? ये एक बजाद खुद एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनको अब याद आया जो संडे को उन्होंने ये ट्वीट की, उससे पहले क्यों नहीं उनको याद आया? जब उन्होंने अगर हदायत दी थी तो समरी उनके पास क्यों नहीं आई जिस पे उन्होंने कहा था कि ये वापस कर दें? तो मैं समझता हूँ कि ये मामला कोई इतना आसान नहीं है, सदर साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।